वेलकम ऑल। आज हम इस वीडियो में कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में जानेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मिल के जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ में बैठ के शेयर करके अपने व्यूज साथ में मिल के सीखते हैं। आज का जो टाइम है, हम जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी का टाइम है। इस समय बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट करना टीचर्स के लिए एक बड़ा टास्क है। बच्चों को शेयरिंग करना, आपस में मिल के सीखना, उनके अंदर सोशल डेवलपमेंट करना, स्किल्स डेवलपमेंट करना, वैल्यूज डेवलपमेंट करना एक टफ, एक कठिन कार्य है टीचर्स के लिए। तो इस दौरान कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसा मेथड है टीचिंग का, जिससे ये सारी चीज़ें आसानी से डेवलप की जा सकती हैं। तो इस तरह हम कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी को आज के टाइम में टीचिंग करवाने के दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम अपनी इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डेफिनेशंस देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप्स, वेज टू फॉर्म कोऑपरेटिव ग्रुप्स, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहले देखते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग है क्या। कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ टीचिंग मेथड वेयर स्टूडेंट्स ऑफ मिक्स्ड लेवल ऑफ एबिलिटी आर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स एंड प्रोसीड टूवर्ड अ कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। कि एक कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एक सामान्य शैक्षणिक उद्देश्य की तरफ सारे विद्यार्थी जो हैं अलग अलग लेवल के, अलग अलग एबिलिटी के, इकट्ठे ग्रुप में कार्य करते हैं, इकट्ठे ग्रुप में बैठे लर्निंग करते हैं। इट इज प्रेजेंटली यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एवरी सब्जेक्ट एंड विद एवरी एज स्टूडेंट। यह स्ट्रेटजी आज दुनिया के कई भागों में, लगभग हर भाग में प्रयोग की जा रही है, हर सब्जेक्ट में प्रयोग की जा रही है और हर एज के बच्चों के साथ ये प्रयोग की जा रही है। अनलाइक इंडिविजुअल लर्निंग विच कैन बी कॉम्पिटिटिव इन नेचर, कोऑपरेटिव लर्निंग कैन कैपिटलाइज ऑन वन अनदर्स रिसोर्सेज एंड स्किल्स, आस्किंग इंफॉर्मेशन, इवेल्युएटिंग आइडियाज, मॉनिटरिंग वर्क एक्सेट्रा। इसके अलावा जो इंडिविजुअल लर्निंग है वो कॉम्पिटिटिव नेचर की है, जिसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा यूज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं उसके स्किल्स को। यहाँ पर विद्यार्थी अपनी जो नॉलेज है उसको, इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ के इवेल्युएशन कर सकते हैं उसकी, और अपने काम को भी मॉनिटर कर सकते हैं। उनका काम जो है बच्चे खुद भी देख सकते हैं और टीचर भी उस काम को मॉनिटर कर सकते हैं। टीचर्स रोल चेंज फ्रॉम गिविंग इन्फॉर्मेशन टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग। और यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो इन्फॉर्मेशन देने के अलावा उनके अंदर लर्निंग को फैसिलिटेट करना, मतलब कि सीखने की प्रक्रिया को और बूस्ट करना, मोटिवेट करना भी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एवरीवन सक्सीड्स व्हेन द ग्रुप सक्सीड्स, कि इसमें जब ग्रुप सफलता प्राप्त करता है तो हर व्यक्ति जो ग्रुप का हिस्सा है वो भी सफल हो जाता है, सफलता प्राप्त करता है। आइए देखिए इसकी डेफिनेशंस क्या है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड जॉनसन 1989, कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन इन वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स, कि मिले जुले जो उद्देश्य हैं उनको पाने के लिए साथ में मिल के काम करने को ही कोऑपरेशन कहते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्ट्स एंड न्यूमैन 1990, एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स हु वर्क टुगेदर एज अ टीम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कंप्लीट अ टास्क और अकम्प्लिश अ कॉमन गोल। कि यह छोटे छोटे ग्रुप जिसमें लर्नर्स हैं, जो मिल के काम कर रहे हैं, साथ में मिलजुल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो एक टास्क को कम्प्लीट करते हैं जो सबके लिए सामान्य है, कॉमन है। आइए देखते हैं किसके एलिमेंट्स कितने हैं। इसके मेन पांच एलिमेंट्स माने गए हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, दूसरा है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद है ग्रुप प्रोसेसिंग, इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स, प्रमोटिव इंट्रक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस क्या है, कि जो विद्यार्थी हैं वो ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने व्यूज,
इस तरह वो एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो इनकी डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर वो पॉजिटिव वे से है, इस तरह इसे पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस कहा गया है। दूसरा है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर विद्यार्थी, हर विद्यार्थी जो ग्रुप का है वो अपने काम के लिए जिम्मेवार है। जब तक हर विद्यार्थी अपने हिस्से का काम पूरा नहीं करता है, ग्रुप का काम पूरा नहीं होता। इस तरह कह सकते हैं कि ग्रुप जो है उसकी जिम्मेवारी के साथ साथ हर विद्यार्थी अपने काम के लिए जिम्मेवार है। तो इस तरह यह इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी के नियम को फॉलो करती है। उसके बाद है ग्रुप प्रोसेसिंग। जैसे कि ग्रुप के सारे मेंबर अपने अपने काम के लिए जिम्मेवार हैं, ऐसे ही उनका काम ग्रुप को साथ लेके चलना भी है। सारे ग्रुप्स अपने काम को समय समय पर सभी मेंबर्स को साथ लेके काम करते हैं। सारे काम जो हैं, सारे उनके टास्क जो हैं वो ग्रुप प्रोसेसिंग मतलब कि ग्रुप के सारे मेंबर के साथ काम करने से ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स। जब बच्चे साथ में बैठेंगे, साथ में काम करेंगे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, तो उस तरह क्या है उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स और सोशल स्किल्स भी डेवलप होंगी। बच्चों के अंदर शेयरिंग की, केयरिंग की, रिस्पेक्ट की, ये सारी जो है वैल्यूज डेवलप होंगी। तो इस तरह उनका जो है सामाजिक विकास भी होगा, उनके अंदर सोशल वैल्यूज, इमोशनल वैल्यूज ये भी डेवलप होंगी। एक दूसरे के साथ में कैसे बिहेव करना है, कैसे एक दूसरे को जो है हमने रिस्पेक्ट देनी है, कैसे उसके व्यूज को एक्सेप्ट करना है, ये सारी वैल्यूज भी उनके अंदर डेवलप होंगी। उसके बाद है प्रमोटिव इंट्रैक्शन की। इसमें जब बच्चे एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हेल्प लेते हैं एक दूसरे की, तो क्या है इंट्रैक्शन उनके अंदर बढ़ती है। एक दूसरे के साथ में इंट्रैक्ट करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, अपने जो है उनके व्यूज को देखते हैं, सुनते हैं, जहाँ पर हो सके अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सचेंज करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह क्या है उसमें विद्यार्थियों में इंट्रैक्शन बढ़ती है। तो ये थे इसके 5 एलिमेंट्स। थैंक यू।